तो पीलीभीत के पूरनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड के दो लुटेरों को धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस ने एक ट्रक और 25,000 किलो सरिया बरामद की है, जिसकी कीमत तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए बताई जा रही है। अब इन दोनों लुटेरों को पुलिस लूट और अन्य धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग लूट का माल कहां और किसको बेचने की फिराक में थे। देखिए, ये एक 15 मार्च को हमारे पास ये थाना पूरनपुर पर विनय कुमार मित्तल हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि इनका माल पंजाब से लखीमपुर आना था, जिसमें कि जो ट्रक सहित माल जो है वो गायब हो गया है, ड्राइवर का भी फोन नहीं मिल रहा है, जिस पर कि तुरंत हम लोगों ने मुकदमा अपराध संख्या 147/23 धारा 420-406 में हमने दर्ज करके, इसमें क्योंकि ये माल का जो इन्होंने बताया कि तकरीबन 15-16 लाख रुपये का माल था, तो इस घटना को संज्ञान में तुरंत लिया गया और इसमें थाना पूरनपुर SHO की टीम और SOG की टीम दोनों को इसमें लगाया गया जल्दी रिकवरी करने के लिए।